रायबरेली जिला अधिकारी माला श्रीवास्तव व पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी की अध्यक्षता में बचत भवन में आज जिलाधिकारी ने समस्त विभागों के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक का मुख्य आयोजन आगामी त्योहारों को लेकर के लोगों के प्रति सतर्कता व शासन व्यवस्था को सुचारू ढंग से बनाए रखने की थी। इस दौरान सभी विभागों के आला अधिकारी व समस्त थाना अध्यक्ष, क्षेत्राधिकारी व SDM मौजूद रहे। आइए आपको भी सुनवाते हैं क्या कहा जिला अधिकारी माला श्रीवास्तव ने। मैम, आज मीटिंग की गई है, क्या उद्देश्य है उसका और क्या बातें बताइए। इसके दृष्टिगत हम लोगों ने जनपद स्तरीय पीस कमेटी की मीटिंग की है, जिसमें सभी समुदाय के लोगों ने प्रतिभाग किया है, सम्राट व्यक्तियों ने और धर्मगुरुओं ने। उनके साथ संवाद करते हुए शासन की जो अपेक्षाएं हैं और जो निर्देश हैं उनसे उनको अवगत कराया गया है। साथ ही इनके साथ संवाद के स्थापित करते हुए इनकी जो समस्याएँ भी हैं जगह जगह पर, कुछ जगहों पर सड़क की दिक्कत बताई है और इसी तरह की अन्य बिंदु बताए हैं, जिस पर हम लोग संबंधित अधिकारियों के माध्यम से समय से कार्रवाई सुनिश्चित कराने के लिए निर्देशित किया है। मैम, ब्लेड जन आपने एक्सपेक्टेशन की है कि वॉलंटियर्स की एक टीम बना ले, वो क्या आपने आपकी एक्सपेक्टेशन है? हम लोगों ने ये आग्रह किया है सभी से कि जितने भी आयोजन होंगे या जुलूस होंगे या यात्राएँ होंगी, तो उनमें सभी लोग अपने आयोजकों की ये जिम्मेदारी होगी कि उनके कुछ संभ्रांत वॉलंटियर्स इन आयोजनों में रहें, ताकि मौके पर अगर कहीं पर भी कोई भी बात आती है जिसमें सूझबूझ का परिचय देते हुए ये वॉलंटियर्स तुरंत रिस्पॉन्ड कर सकेंगे और फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स के रूप में त्वरित कार्रवाई करते हुए वहाँ समझा बुझा कर सिचुएशन को कंट्रोल में नियंत्रित करेंगे और हम लोगों को सक्षम स्तर पर सूचना भी तुरंत देंगे। मैम, शस्त्र प्रदर्शन को लेकर क्या निर्देश दिए गए और कैसे आश्वस्त? जो निर्देश है हम लोगों ने सबको अवगत कराया है, कहीं पर भी आवागमन को बनाए रखना निर्बाध रूप से ये अपेक्षा शासन की है और शस्त्रों का कहीं पर भी सड़क पर प्रदर्शन नहीं होना है, ये भी सबको बताया।